नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। शुरुआत करेंगे रेडियो बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। सीएम जयराम बोले, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका, कृषि कानून पर एक लाइन में दिया जवाब। सदस्यता अभियान में बोली राजीव शुक्ला, उपचुनावों में कांग्रेस ने रखी नींव, अब 2022 में खड़ा करेंगे महल। हरीश चौहान बोले, समय पर कृषि कानून वापस लिए होते तो 700 किसानों की जान बच जाती। बिलासपुर में सस्ती राशन की दुकान में विभाग ने दी दबिश, खराब चावल की बोरियां सील। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ की होगी शुरुआत, इस बार महिला खिलाड़ी भी दिखाएगी दमखल। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले का हुआ समापन, राज्यपाल ने देवपाल क्यों को किया विदा। तारा देवी शोघी के जंगलों से पकड़ा फरार कैदी, ड्रोन खोजी कुत्तों की मदद से आया काबू। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ऊना के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर फैसले का स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कोई भी और टिप्पणी नहीं की। सीएम ने ऊना में 115.48 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने विभिन्न विभागों की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और 29 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। सीएम ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1892 में ऊना के पंजावर गांव में भारत की पहली सहकारी समिति का गठन हुआ। उन्होंने राज्य के लोगों से सहकारी आंदोलन में समर्पण के लिए योगदान देने का आग्रह किया, ताकि राज्य सहकारिता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी के नेताओं को एकजुटता के आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची है और केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने के साथ साथ आज तीन काले कृषि कानून को भी रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा है। हिमाचल कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से कांग्रेस का सदस्यता अभियान हर घर तक पहुंचना है। हिमाचल प्रदेश में किसान बागवानों को हितों की लड़ाई लड़ने वाले संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया। हरीश चौहान ने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू होते ही अगर सरकार ने ये काले कानून वापस लिए होते तो 700 किसानों की जानें बच जाती। सरकार से ये एक बड़ी भूल हुई है। देश के साथ साथ संयुक्त किसान मंच भी कृषि कानून का विरोध कर रहा था। इसके लिए प्रदेश भर में आंदोलन भी चलाया गया। किसानों की ये बड़ी जीत है। हरीश चौहान ने कहा कि अब केंद्र सरकार को दो कदम और आगे बढ़कर किसान बागवानों की विभिन्न राज्यों में जो समस्याएं हैं उन पर विचार करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में सस्ती राशन की दुकान में खराब चावल की सप्लाई की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकायत के आधार पर डिपो की औचक छापेमारी की और वहां से चावल की बोरियों को सील कर दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रजनीकांत कालिया ने बताया कि खराब चावलों की सप्लाई के बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुकानों से खराब चावल के सैंपल ले लिए गए हैं और विभागीय तौर पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अभी तक ये बात सामने आई है कि स्टोर के लेवल ने गलती से खराब चावल की बोरियां मालवाहक वाहन में भर दी थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद खेल महाकुंभ 8 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। इस बार खेल महाकुंभ में महिला खिलाड़ी भी अपना दम दिखाएंगे। सांसद खेल महाकुंभ के लिए पंजीकरण 22 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया जाएगा। महिला खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण निःशुल्क रहेगा। ये बात सांसद खेल महाकुंभ के सह संयोजक
नरेंद्र अत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में विजेता और उपविजेता को 50 लाख के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला सिरमौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शिरकत की और भगवान परशुराम सहित अन्य देव पालकियों को उठाकर देकर अपने अपने देव स्थलों के लिए रवाना किया। इसी के साथ भगवान परशुराम अपनी मां श्री रेणुका को फिर अगले वर्ष मिलने का वादा कर अपने धाम जामुकोटी को रवाना हो गए और 6 दिन तक चले अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का समापन भी हो गया। इससे पूर्व राज्यपाल ने मां श्री रेणुका जी व भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना कर शीश नवाया। राज्यपाल ने कहा कि आज ही उनके लिए सौभाग्य का अवसर है और इन्हें माता रेणुका जी व भगवान परशुराम के दर्शन करने का मौका मिला। चक्करकोट के पास तभी मोड़ से फरार हुए कैदी को 2 दिन के सर्च अभियान के दौरान पुलिस टीम ने तारा देवी शोखी के जंगलों से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। गौर हो कि बुधवार को आरोपी को कंडा जेल से चक्कर स्थित जिला अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा था कि तभी मोड़ के पास हत्या का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार हुए कैदी की तलाश के लिए पुलिस थाना बालूगंज व संबंधित चौकियों से विभिन्न पुलिस कर्मियों की विशेष टीम का गठन करके तलाशी शुरू कर दी गई थी। शहर के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई थी और प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की तलाशी भी ली गई थी। पुलिस ने ड्रोन की सहायता से तारा देवी शोखी तथा आसपास के जंगलों में तलाशी ली। इसके अलावा पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से तलाश अभियान जारी रखा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।